हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉफी फेस मास्क बताने वाली हूँ, जो एक D10 फेस मास्क भी है। ये सन टैन को बहुत ही अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। सॉरी गाइस, बिकॉज मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ तो मेरे हैंड्स बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। सो गाइस, आपको एक फुल पैक लेना है कॉफ़ी पाउडर का। ये 2 रुपीज़ में मिल जाता है बहुत इजीली किसी भी शॉप से। कॉफ़ी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड टर्मरिक। सो आपको वाइल्ड टर्मरिक ही यूज़ करना है। वाइल्ड टर्मरिक को हम कस्तूरी मंजर भी कहते हैं, तो आपको 1/2 टेबल स्पून वाइल्ड टर्मरिक ऐड करना है। सो गाइस, थर्ड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्राम फ्लावर, जिसे हम बेसन भी कहते हैं, तो अभी मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। बाद में हम इसकी कंसिस्टेंसी देख के हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। हमको एक मीडियम कंसिस्टेंसी का फेस मास्क चाहिए, तो हम उसी हिसाब से और इन तीनों ही पाउडर मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फोर्थ हम इसमें ऐड करेंगे कोल्ड रॉ मिल्क, तो आपको कोल्ड रॉ मिल्क ही ऐड करना है इसमें, या फिर आप अपने स्किन के टेक्सचर के हिसाब से आप कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। पर मैं यहाँ पे कोल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी कोल्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 4 टेबल स्पून कोल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ इसको अच्छी कंसिस्टेंसी पेस्ट बनाने के लिए, ताकि हम इसमें अच्छे से फेस मास्क अप्लाई कर पाएँ अपनी स्किन पे। तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्राम फ्लावर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, ताकि ये एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाला पैक बने। तो मैं 2 टेबल स्पून ग्राम फ्लावर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस, आप सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी बना है हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो ये फेस मास्क हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, इस फेस पैक को मैं अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फेस मास्क कितना सही लग रहा है। तो मैं इसे एक पैक ब्रश के थ्रू लगा रही हूँ, आप हैंड्स के फिंगर टिप्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो मैं अपने हेयर को सिक्योर कर लीजिए अच्छे से, ताकि ये फंसे मत उसमें, और आप इवेनली स्प्रेड करना, इवेनली अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से अप्लाई करें आप पूरे अपने फेस पे, आप डार्क सर्कल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो एक्सेस ऑयल होता है हमारी स्किन में, ये उसे रिड्यूस करता है, उसे कम करने में हेल्प करता है। और कॉफ़ी पाउडर एक ग्रेट एक्सफोलिएटर की तरह भी वर्क करता है, आप एज ए स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं इसे। बट ये मैं फेस पैक बना रही हूँ, तो मैं इसको एज ए स्क्रब यूज़ नहीं कर रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही अच्छे से सन टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, सन से प्रोटेक्शन देता है, हमें स्किन को सॉफ्ट और ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज़ कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में आप इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। ये इन्हेंस करता है ब्लड सर्कुलेशन को, और कॉफ़ी पाउडर बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है हमारी स्किन को गॉर्जियस और करने के लिए, हमारे हेयर को अच्छा करने के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है कॉफ़ी पाउडर, स्किन को ब्राइटर करता है, डार्क सर्कल को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को भी कम करने में हेल्प करता है, स्किन को सॉफ्ट करने में, ब्राइट करने में, और फेस को डिटॉक्स करने में भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है कॉफ़ी पाउडर। और मैंने इसमें ऐड किया है ग्राम फ्लोर, ग्राम फ्लोर भी ऑयलीनेस को रिमूव करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, स्किन को लाइटेंस करने में हेल्प करता है, एक्ने से फाइट करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, और कंट्रोल करता है एक्सेस सीबम्स के प्रोडक्शन को, सूथ करता है इन्फ्लेमेड स्किन को। सो गाइस, बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैंने ड्राई कर लिया है, ड्राई करने के बाद आपको जेंटली रिमूव करना है इसे, रब करते हुए आपको इसको रब करते हुए रिमूव करना है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में एक स्टिकीनेस होता है जो कि जल्दी रिमूव नहीं होता है ऐसे ही। तो आप इसे थोड़ा सा रब कीजिए स्किन में, तो आप इसे थोड़ा रब करते हुए निकालें, और लास्ट में आपको वाटर से भी इसे थोड़ा रब करते हुए निकालना है। तो ये अच्छे से रिमूव होता है, और ये डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है, डर्ट को रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, सन टैन को भी रिमूव करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है कॉफ़ी पाउडर। आप इसको 2 to 3 times यूज़ कीजिए, तब आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप सिर्फ इस चीज़ को देखिए मत, इसे यूज़ भी कीजिए अपनी स्किन पे, तब आपको इसका लाइव रिजल्ट मिलेगा, एंड आई एम श्योर कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा गाइज। सो गाइज, एटलीस्ट 1 time इस पैक को आप यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप इसे बार बार यूज़ कीजिए।
और इसके बाद इसे हम वाटर से भी थोड़ा रब करते हुए रिमूव करेंगे ताकि हमारी स्किन में जो भी कॉफ़ी पाउडर लगे हुए हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आप इसके बाद फेस वॉश कर लीजिए कोल्ड वाटर से। आपको फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल कोल्ड वाटर का ही यूज़ करना है। सो गाइस, आप इसके बाद जो आप नेचुरल ग्लो देखेंगे अपनी स्किन में, उसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा ग्लो ऐड करता है हमारी स्किन में, जो कि नेचुरली ग्लो होता है। आप देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद आप देखिए कि इंस्टेंट ग्लो आपको कैसे मिलता है कॉफी पाउडर फेस पैक से। तो गाइस, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय गाइस।